सुनिश्चित की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर भी बल दिया है कि एम्बुलेंस देर से नहीं आना चाहिए और कोविड फैसिलिटी में भर्ती करने की प्रक्रिया बहुत जल्दी कर देनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पाया कि कुछ जनपदों में ऐसी शिकायत है कि वहाँ खाद्यान्न कुछ पॉकेट्स में यदि नहीं बटा है, तो उसके लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो स्वयं जाकर देखकर आएं ऐसे गाँव में जहाँ कहीं शिकायत आती है। यदि कुछ लोगों के राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ा है तो पुनः इस बात पर बल दिया है कि उनका नाम राशन कार्ड में चढ़ाकर उनको जो है राशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों में डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के साथ दवाई की व्यवस्था, पैरामेडिक्स की व्यवस्था पर, साफ सफाई की व्यवस्था पर, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था पर, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की व्यवस्था पर, व्हीलचेयर और ऑक्सीजन की व्यवस्था पर भी विशेष बल देने के लिए अभियान चलाया गया है। आपको मालूम है कि 2 दिन नोडल ऑफिसर्स जो है सैटरडे और संडे फील्ड में गए हुए हैं। नोडल ऑफिसर्स खुद जो है अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव के माध्यम से जो है शासन को दे रहे हैं, तो निश्चय ही इसका बहुत फर्क पड़ेगा जो नोडल ऑफिसर्स फील्ड में गए हैं। पुलिस और नोडल ऑफिसर्स भी फील्ड में गए हैं, वो भी अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं और उन रिपोर्ट्स के आधार पर जो है पुलिस से संबंधित जो बिंदु है उन पर कार्रवाई की जा रही है। गौ आश्रय स्थलों में गौवंश के स्वास्थ्य परीक्षण कराने का भी निर्देश दिया गया है। हरा चारा अभी अवेलेबल है उसकी भी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। मनरेगा के तहत रोजगार मिले इसके लिए गाँव में मुनादी कराकर रोजगार तलाश रहे लोगों को व्यवस्थित कर उनको भी रोजगार दिया जाए, अधिक से अधिक रोजगार मिले। कृषि, सिंचाई, उद्यान आदि विभागों में भी रोजगार मिले और कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, MSME आदि के माध्यम से प्रदेश में नवनिर्माण का जो कार्य हो रहा है उसको जरूर इंश्योर किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने ग्राम विकास, पंचायती राज, नगर विकास विभाग में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग पर निरंतर बल दिया है, शुद्ध पेयजल पर भी बल दिया। देखिए जो आंकड़े सामने आ रहे हैं यूपी में उसको लेकर जानकारी दी जा रही है। जागरूक हो जाए कि यदि मास्क वो नहीं पहनेंगे तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी। कल जो है शनिवार था, कल जो है प्रतिबंध लगे थे, फिर भी रोडवेज ने लगभग 4,318 बस चलाकर 5,15,000 यात्रियों को अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचाया है। अब तक जो कैदी छोड़े गए हैं कोरोना की वजह से 18,053 है। अब तक जो बाल पेटी ऑफेंसेस में जुवेनाइल्स हैं वो लगभग 844 जो है करीब छोड़े गए हैं। अब तक जो कार्रवाई धारा 188 के अंतर्गत हुई है वो कुल मिलाकर जो है 1,15,861 हो गई है। कल पूरे प्रदेश में 6,087 FIR धारा 188 के अंदर दर्ज की गई है और आगरा में 15, आगरा जोन में 15, प्रयागराज में 140, बरेली में 59, गोरखपुर जोन में 2,122, कानपुर जोन में 112, लखनऊ में जोन में 39, मेरठ जोन में 112, वाराणसी जोन में 214, इस तरह से पूरे जो है क्षेत्रों में जो है संख्या में जो है कार्रवाई करते हुए 188 के अंतर्गत कार्य सुनिश्चित किया गया है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में 753 FIR दर्ज कर दी गई हैं, 357 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर दिया गया है। जो जुर्माना लगाया गया है वाहनों पर वो काफ़ी संख्या में लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। अब तक जो जुर्माना लगाए चेक किए गए वाहन हैं वो लगभग 9,96,96,000 वाहन जो है अब तक चेक कर लिए गए हैं और 2,57,000 वाहन जो है सीज करते हुए 47,45,00,000 रुपया जो है जमा करा दिया गया है। इसके साथ साथ हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए हैं कि पुलिस में, कारागार में, PSC में, बाकी सभी सरकारी कार्यालयों में प्रयास पूरा होना चाहिए, किसी भी सूरत में